और वैसा ये मानव परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व ऐसा चार स्तर की व्यवस्था की हारमोनी पर रखा सुख को भी समझा इसी रूप में कि चार स्तर की व्यवस्था में हारमोनी को समझ पाना हारमोनी में जी पाना ही सुख है। उसी को दूसरी भाषा में कहा सहज प्रकृति को समझ पाना और सहज प्रकृति के भाव में जी पाना ही तो सहज प्रकार क्या है चार स्तर की व्यवस्था में रहना कि अव्यवस्था में रहना और उससे अधिक हम जुटा सके तो जब उससे अधिक जुटा पाने का भाव हमें आता है तो उसी को क्या कहा सुख और समृद्धि को समझा। सुख के स्वरूप के बारे में भी बात की ऐसा कहा जाता रहा है कि सुख और दुख तो साथ साथ चलेंगे बिना दुख के सुख चलेगा नहीं तो उसको भी जब समझे तो समझ में आया कि बी वाला जितना हिस्सा है इसमें सुख और दुख साथ साथ इसमें सुख की निरंतरता नहीं हो सकती लेकिन जो ए वाला भाग है इसमें सुख की निरंतरता संभव है अगर इसको ठीक से समझ के किया जाए कि यहाँ सुख की निरंतरता हो सकती है। हमारी समस्या क्या है हम चाहते हैं तो ये और प्रयास कहाँ करते हैं जितने लोग ये कहते हैं ना कि निरंतर सुख नहीं हो सकता ये समझ रहे हैं चाहते इसको है प्रयास कहाँ कर रहे हैं तो यहाँ प्रयास करके जो भी उनको सुख मिलता है उनको दिखता है थोड़े समय बाद रुका जा रहा है फिर थोड़े समय सुख मिल रहा है थोड़े समय बाद तो यहाँ के लिए तो बात ठीक है कि सुख और दुख लगे रहे लेकिन यहाँ पर सुख की निरंतरता कहाँ अब अपने सहज प्रकृति के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता को देख कर अपना भाव ठीक कर ले उससे सुख की निरंतरता संभव है। हम अपने से लेकर परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझ लें उसकी सही समझ हो जाए उससे भी सुख की निरंतरता संभव तो ये वाले दो काम से सुख की निरंतरता सुविधा वाले से सुख की निरंतरता संभव है उसमें सुख सुख के बाद सुख दुख के बाद सुख लगा फिर आगे बढ़े इसके लिए चार लेवल की व्यवस्था को समझना आवश्यक है तो पहला व्यवस्था को समझना शुरू किए कौन सा वाला तो दो तरह की बात समझ में आई मानव के बारे में उसमें शरीर भी है और सेल्फ है सेल्फ जिसको कह रहे हैं तो ऐसा कहा दो तरह से क्योंकि हम अपनी आवश्यकता को देखते तो हमारी आवश्यकताएं भी कितने तरह की दो तरह एक शरीर से जुड़ी हुई और दूसरी स्वयं और ठीक से देखा तो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता सामायिक है स्वयं से जुड़ी हुई आवश्यकता निरंतर है सम्मान निरंतर आवश्यकता है भोजन सामाजिक आवश्यकता मतलब भूख लगा के चाहिए फिर उसके बाद ऐसा इस तरह फिर और ठीक से देखा तो पता लगा कि शरीर से जुड़ी आवश्यकता को हम मात्रा के नाप के लिए करते हैं स्वयं से जुड़ी आवश्यकता के मात्रा का कोई नाप बोल नहीं होती शरीर की जितनी भी आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है स्वयं की जितनी भी आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है बेटा आप उसको बंद कर दो आपको बोल के आया था कॉपी बंद कर दो ये बात हुई फिर आगे बढ़े तो ये पता लगा कि स्वयं की क्रियाएं एक तरह की होती है और शरीर की क्रिया दूसरे तरह की जैसे मैं चल रहा हूँ ये किसकी क्रिया है मैं कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ ये मैं खाना खा रहा हूँ मैं इच्छा कर रहा हूँ मैं सपने बोल रहा हूँ मैं सपने देख रहा हूँ क्रियाएं अलग अलग देख सकते हैं दो तरह की क्रियाएं हमारे भीतर चलती है शरीर की अलग और स्वयं की तो इसलिए ये बात समझ में आई कि अगर हम अपने आप का जब पढ़ाई करते हैं अपने बारे में समझते हैं तो हमने जड़ ही है जड़ किसको कहा शरीर को भी स्वयं को इधर किसको कहा चैतन्य किसको कहा स्वयं को हमने जड़ भी है और चैतन्य भी है दोनों के अस्तित्व में हम मान रहे हैं और दोनों की आवश्यकता अलग अलग तरह की है दोनों को ही पूरा करना एक पूरा हो दूसरा ना हो तो हमें व्यवस्था होगी और व्यवस्था चाहे शरीर की आवश्यकता ना पूरी हो सेल्फ की होती रहे तो भी अव्यवस्था सेल्फ की होती रहे शरीर की ना हो
होगा होना जरूरी है। किस चीज के लिए? मानव के व्यवस्थित होने के लिए। मानव के व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए दोनों की भी आवश्यकता पूरा होना जरूरी है। तो आगे बढ़े तो फिर हम लोगों ने शरीर और स्वयं दोनों को जो अलग अलग समझा, तो स्वयं की व्यवस्था को भी विस्तृत रूप में समझा। सिर्फ समझा और कल्पनाशीलता को देखा भी, और उसमें ये भी देखा कि कौन सी कल्पनाशीलता से हम सुखी हो रहे हैं, कौन सी कल्पनाशीलता से दुखी हो रहे हैं, ये दोनों बात समझ में आई। फिर ये भी देखने का प्रयास किया था कि कुछ कल्पनाशीलता से हम सुखी हो रहे हैं, कुछ कल्पनाशीलता से दुखी। तो कौन सी वाली कल्पनाशीलता से सुखी हो रहे हैं? जो हमको सहज स्वीकार है। और जो कल्पनाशीलता हमको सहज स्वीकार नहीं है, मान्यता से आ रही है या संवेदना से आ रही है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम सुखी हो सके। तो जो कल्पनाशीलता सहज स्वीकृति से आ रही है उससे हम सुखी होते हैं, जो इससे आ रही है या जो इससे आ रही है जरूरी नहीं है कि हम सुखी हो सके। इस बात को हम लोगों ने अभ्यास करके पहले ही देखा, आज भी एक बार अभ्यास करके देखेंगे हम लोगों ने बात। फिर हम लोगों ने शरीर की व्यवस्था को समझ लिया था, हर व्यक्ति को बचपन में एक व्यवस्थित शरीर मिलता है, इसकी सारी हड्डियाँ व्यवस्थित होती है, सारी मांसपेशियाँ व्यवस्थित होती है, और सांस भी चल रही होती है, पाचन भी चल रहा होता है, पानी भी पच रहा होता है। एक व्यवस्थित शरीर हर व्यक्ति को बचपन में मिलता है, पशुओं को भी व्यवस्थित शरीर मिलता है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? उस पर पूरी शरीर यात्रा उस व्यवस्था को बिगाड़ना या बनाए रखना, हमारी भी जिम्मेदारी है, पशु की भी जिम्मेदारी है। तो कौन ज्यादा उस व्यवस्था को बनाए रखने में सफल हो पा रहा है? हम नहीं सफल, क्यों सफल नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमने संयम का भाव, संयम का भाव का मतलब क्या हुआ? इस जिम्मेदारी को स्वीकार, इस शरीर के पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी है और संरक्षण की जिम्मेदारी भी मेरी है और प्रगतियों की जिम्मेदारी भी। पोषण का मतलब हुआ हम ऐसा आहार लेंगे जिससे शरीर का पोषण। अभी आप देखेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे आहार को भी ले लेते हैं जिसके बारे आपको पता रहता है कि इससे पोषण नहीं हुआ, तो जिससे शरीर का पोषण हो, शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, ऐसे आहार को लेंगे। ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे घर में रहेंगे जिससे शरीर की सुरक्षा, और इस तरह के साधनों का प्रयोग करेंगे जिससे शरीर का सदुपयोग, दुरुपयोग ना, जैसे अभी मोबाइल हम देखते हैं, मोबाइल हमने देखना शुरू किया और 6 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं, 4 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं, इसका कुछ प्रभाव आंखों पर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता? की व्यवस्था बनी रहती है, बिगड़ जाती है। तो ये मोबाइल जो साधन है उसका सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग। हम उसको आधा घंटा देख सकते हैं, 1 घंटा देख सकते हैं, तो देख दे सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, लेकिन अब आप बार बार तो मोबाइल उठाने, आज हाथ आ गया है मतलब आज सब निपटा देंगे, अब वो निपटाने के चक्कर में आंखें भी निपटने लगती, तो ये शरीर का क्या हो गया? ये बात समझ गए? तो शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वयं में संयम का भाव होना आवश्यक। इस पर बात हुई, फिर आगे बढ़े तो अगली बात ये हुई कि परिवार में व्यवस्था का क्या मतलब है। तो ये बात ध्यान में आई थी कि परिवार की व्यवस्था दो तरह से सुनिश्चित होती है, साधनों के सुविधाओं के आदान प्रदान से और दूसरा भाव के आदान प्रदान। तो परिवार व्यवस्था के लिए सुविधाओं का लेन देन और भाव का लेन देन दोनों आवश्यक है या किसी को चुना जा सकता है? हम परिवार में दोनों करने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन सुविधा को तो 15 साल 16 साल समझते हैं, सीखते हैं, फिर पूरा करते हैं, जैसे खाना बनाना ही माँ के साथ लगते हैं, आप 3-4 साल 5 साल सीखते हैं, आगे सुविधा कैसे कमाए उसके लिए 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ते हैं तब सुविधा कमा पाते हैं। तो सुविधा वाले को समझने सीखने के लिए 5 साल से 15 साल तक आप लगाते हैं, संबंध वाले को समझने के लिए सीखने के लिए कितना समय लगाते हैं? तो लगाते नहीं।
तो बिना समझे बिना सीखे संबंध वाले को कोशिश करते हैं कि पूरा, चाहते तो है कि पूरा हो भाव, लेकिन चाहने मात्र से पूरा होता नहीं है, बार बार उसमें गलती होती है, बार बार झगड़ा होता है। और उन्हीं लोगों के साथ झगड़ा होता है जिसको सुखी करने के लिए हम दुख उठाने को भी तो हम चाहते नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे को सुखी करें भाव से, लेकिन भाव को समझा नहीं है, इसलिए निरंतरता में हम उसको एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर पाते। तो भाव को समझने का काम शुरू किए, नौ भावों को समझा, पहला भाव समझा विश्वास। क्या मतलब है विश्वास का? ये स्पष्ट होना कि जिस तरह से मैं सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ और सुखी समृद्ध होकर दूसरे को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, योग्यता होती है तो कर पाता हूँ, नहीं होती है तो नहीं, लेकिन फिर चाहना तो मेरा ठीक होना ही है। वैसे ही घर के और सदस्य भी वैसे ही हैं, वो भी सुखी होकर सुखी ही करना चाहते हैं, योग्यता होती है तो कर पाते हैं, नहीं होती है तो नहीं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो व्यर्थ में उनकी चाहना पर शंका नहीं करते, व्यर्थ में दोस्तों की चाहना पर शंका नहीं करते। चाहना पर शंका करने से पहले 50 बार सोचते अभी क्या होता है, छोटी सी कोई घटना घटी जिसमें आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, शंका कहाँ हो जाता है दूसरे के चाहना पर। आप ध्यान देंगे बहुत सारे दोस्तों को चाहना पर शंका करके आपने दोस्ती तोड़ ली, बचपन से लेके आता उसमें से कुछ लोगों के साथ तो वापस दोस्ती शुरू हो गई होगी, लेकिन कई दोस्त अभी भी होंगे जिनसे दो दो साल से वैसी दोस्ती नहीं हो पा रही, दूरी बन गई। हमसे आगे जब हम पढ़ते थे और किसी का अपना कोई काम नहीं होगा, हम 5-6 लोग बच गए थे उस हॉस्टल में। तो हुआ ये कि एक दिन रात में एक मेरा दोस्त था, इसका नाम मैं बच्चों को पढ़ता था और एक मेरा दोस्त पास को मैकेनिकल पढ़ता था, मैकेनिकल मतलब जो थोड़ा कार वार बनाने का जो काम करते हैं, कभी कभार पता ही तो हम लोग पढ़ते अलग अलग थे तो बहुत पहचान नहीं थी, लेकिन अब तीन चार लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो पहचान हो जाती है। एक दिन शाम में आया वो आके बोला कि तुम घर पर जा रहे हो, उसी पे आ रहे थे टेम्पू, जो टेम्पू चलते हैं उसी से आ रहे थे। तो
ट्रक से आमने सामने उसी रोड पर आते हैं, फसल छोटे खिलाफ में देखते हैं ना, एक आदमी का पैर लटका रहे थे, हाथ लटका रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ आदमी लटका रहे थे। कानपुर में हमारी कोई लड़की होती है कानपुर में, साथ के जो टीचर थे बच्चे थे वही सब खा के हॉस्टल हॉस्पिटल ले गए, वही सब थे पाँच छः दिन बाद चार दिन बाद उन्होंने घर के लोगों को पता लगा कि फिर वो आए। तो उस दौरान जो है जब मैं हॉस्पिटल में था उस तरह से लेकर हुआ तो शरीर भले न चले, कल्पना शिल्पा चलती होगी कि बंद होगी, चलती होती उस तरह से पड़े। तो हमारे दोस्त दूसरे हैं मनीष नाम के, एक दिन वो आए और उन्होंने कहा जानता हूँ कि जितने आपके रिश्तेदार हैं दोस्त हैं वो सब आपको देखने आगे पास है, वो जो सुधीर जिसके बारे में आप बात करते हैं और जो आता है ना वो आपको देखने नहीं आए, और इतना कह के चले गए और वो तो चले गए। लेकिन मेरी कल्पना से सब कुछ चलना शुरू हुआ होगा कि नहीं, मैं सोचने लगा ये सुधीर आना नहीं चाहता है कि आ नहीं पा रहा है, ये सब कहाँ चल रहा होगा, जब भी लगता होगा आना नहीं चाह रहा है, गुस्सा आता होगा नहीं आता होगा, और कभी लगता होगा आ नहीं पा रहा है, मजबूरी हमको लगा उसकी तो मजबूरी होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा, आना तो चाह ही रहा होगा लगा थोड़ा। लेकिन कल्पना चिंता में बड़ा विचार आ गया कि मेरी जगह अगर उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया होता तो कौन सी मजबूरी उसको पाँच छः दिन तक रोक के रखती, रुका रहता क्या अगर तब आ जाता अभी भी आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो समस्या चाहने की नहीं चाहने की है, योग्यता की हमने उसके लिए इतना सारा कुछ किया है ना, और वो हमारे इतने खराब वक्त पे आ नहीं रहा, ऐसे दोस्त का क्या है, उसको तो हम जिंदगी से निकाल देंगे, कोई बातचीत आगे नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे संबंध इसके साथ, चलने लगा। तभी एक और विचार आ गया, कल्पना शिल्पा में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं पर आप लेटे रहो तो सब दिखता ही रहता है। एक और विचार आया क्या कि मैंने उसके लिए क्या किया, दो दिन बीमार था उसके साथ रहा, दवा कराया, ठीक हो गया, घर छोड़ा, इतना ही कर दिया। उसके भाई ने इतना ही किया होगा या इससे बहुत ज्यादा किया होगा, बचपन से लेके अब तक जाने क्या क्या उसके लिए किया होगा, तो मैं किया इतना सब रिटर्न की अपेक्षा कितना कर रहा हूँ जितना, अब ये उसकी समस्या और मेरी समस्या, मेरी समस्या तो फिर मुझे आराम हो गया, ठीक है हो सकता है उसकी दिक्कत हो लेकिन मेरी अपेक्षा भी तो बहुत बड़ी है, इतना सा किया है अपेक्षा भाई जैसे लगा रहा हूँ तो बड़ा आराम हो गया। एक दिन का तो अपेक्षा नहीं कर सकता, वो भी ऐसे बुरे वक्त में जब आप देने मरने के दौर से गुजर रहे हैं नहीं कह जा सकता, वो एक दिन के लिए आप आ रहा है तो ऐसे आदमी के साथ क्या करें, ऐसे लोगों के साथ क्या करें, तो चले ना संबंध चलाए छोड़ दे, ये तो अपना नाम निकालने वाले लोग हैं, काम निकल गया भूल जाते हैं, दूसरे की मुश्किल कुछ नहीं दिखती, ये सब चलने लगता है ना, हमको भी लगा कि ऐसा आदमी को तो अपने बेकार जिंदगी में इतना समय दिया, मेरे सबसे बुरे वक्त में वो तो सोचने लगा कि मैं छोड़ दूंगा इसके साथ ये दोस्ती, ऑलमोस्ट सोच लिया। फिर मुझे ध्यान आया कि जब आप इंटर पास कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जैसा उस दिन बात हो रही थी कि 10 लाख बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीटें तो मुश्किल से कुछ हजार हैं, तो सब तो बन नहीं पाएंगे, तो सब लोग इंटर पास करने के बाद एक साल दो साल कहीं नाम नहीं लिखाते कोचिंग करते हैं, जानते हैं आप कोचिंग में साल में तैयारी करेंगे, दो साल तैयारी करेंगे, फिर परीक्षा देते हैं, दो साल निकलता है, ऐसा करते हैं पता ही होगा आपको। हम लोग के समय में तब इंजीनियरिंग की सीटें बहुत कम थी, पूरे प्रदेश में हमारे 17-18 सीटें थी, किसी कारण कॉलेज दो दो साल कोचिंग करते, हमको ध्यान रखा अभी वो जो सुधीर है वो दिल्ली में कुछ
परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसका जो जॉब अभी नहीं लगी है तो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैं जब मेरे लिए तैयारी करता था तो मेरे घर में कोई मिलने आता था तो मैं घर में बोल देता था मम्मी पापा को कि बस एक महीना रह गया एग्जाम, अब मैं किसी के साथ समय नहीं लगा पाऊँ, कोई आए तो बता देना मैं घर पर रहूँ, पर अपना पढ़ते रहता था। तो मुझे याद आया कि मैं उसके दबाव में होगा, एक बार दबाव खत्म हो जाए फिर बातचीत करेंगे, आदमी तो ठीक ही होगा, तब देखा जाएगा। सब सोच के अपनी दोस्ती भी कहा, हमने कहा देखते हैं प्रयोग ही है सब। मैं ठीक होकर घर लौट के आ गया, घर लौट के आ गया तो वो वापस आया, मिलने आया, आके बताने लगा कि ये परीक्षा थी, वो परीक्षा थी, इसलिए आया था। अब वो बता रहा था, हम तो अंदर अंदर सोच लिए कि उसका सब हमने सोच ही लिया है, चलता है। लगभग मेरे एक्सीडेंट के 10 या 11 महीने बाद, कभी कभी परिवार में होता है बहुत सारी दुर्घटना एक साथ है, मेरे परिवार का भी वही समय था। तो मेरे माता जी का जो है मम्मी का ब्रेन हैमरेज हुआ, ब्रेन हैमरेज समझते दिमाग की नस पड़ जाती है, तो उससे क्या होता है जैसे इस साइड की नस पड़ी तो इधर के हाथ पैर चलने लग गया, इधर की नस पड़ गई तो इधर के हाथ, मम्मी का तो मतलब एक साइड का फट गया था, तो हाथ पैर भी चलना बंद और आदमी का बॉडी में काट हो जाता है, वहीं वो आईसीयू में रहता है, बहुत सारा इलाज चलता है ब्रेन का, तो वो और मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, मेरा भाई मेरा बड़ा भाई मेरा छोटा भाई वो गुड़गांव शहर में दिल्ली के पास वहाँ जॉब करता है, और एक उससे छोटा भाई वो जो है पौड़ी के बाद हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर वहाँ पढ़ाई कर रहा है, और मम्मी पापा पाँच ही लोग घर में थे, और मम्मी के साथ एक आदमी फुल टाइम चाहिए, तो हम तीनों भाई 15 दिन की अपना कुछ एडजस्टमेंट करके पापा के साथ आते थे, एक जाता था दूसरा आता था, करके मम्मी को मदद कर रहे थे। हम लोग क्या शहर है नैनीताल के पास भिजवाने के लिए वहाँ लेके थे, फिर बरेली एक शहर है वहाँ लेके गए इलाज के लिए, तो जब हम लोग बरेली में मम्मी का इलाज करा रहे थे तो सुधीर फिर मेरे एक्सीडेंट में नहीं आया, उसको कहीं और से पता था कि हम लोग इतने बुरी स्थिति में हैं और काफ़ी परेशान, वो हमने हमारी तो उससे बात ही नहीं हुई, हमको तो अपेक्षा भी नहीं थी जो मेरे एक्सीडेंट में नहीं आया वो माता जी के उसमें कहाँ से आएगा, लेकिन वो जो है पूरे समय बना रहा मेरी मम्मी के साथ हॉस्पिटल, उसी ने सुझाव दिया कि इनको लेके कानपुर चलते हैं, वहाँ डॉक्टरों को जानते हैं, हॉस्पिटल को जानते हैं, आप नौकरी भी करोगे वहाँ संभाल भी लेंगे, तो हम लोग एम्बुलेंस में लेकर उनको कानपुर आए, और पूरे समय वो बना रहा। उसके पास छुट्टियाँ थी 2-3 महीने की, ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई थी, जहाँ जॉब लगी थी, पूरे समय बना रहा। मेरे रिश्तेदार आते थे तो बोलते थे लड़के तो इनके जीतते थे, लेकिन तीनों लड़कों से अधिक समय जो लगा रहा है वो ये लगा है। वैसे भी जब आईसीयू में पेशेंट होता है तो आपके पास जगह नहीं होता ना बाहर बैठने के लिए, तो बाहर लोग अखबार बिछा के और दवाइयाँ बिछा के पड़े रहते हैं, ऐसे ही वो पड़े रहता था, बुखार लग गया तो दवाइयाँ खा खा के वो जो है क्योंकि इनके ध्यान देना है देखा। अभी 6 महीने साल भर पहले की घटना को देखिए और साल भर बाद की घटना को, अगर ठीक से जांच परख न किया होता तो ऐसा आदमी के साथ संबंध बचता टूट जाए। आप ध्यान देंगे आपको दिखेगा कि जब मैं लोगों की शाखा पर संख्या करके आप बहुत सारे संबंधों को खराब कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल के देख लेते हैं, मन कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि हम इससे कभी बात नहीं है। आप देखेंगे तो बचपन से लेकर आप आज तक आप बहुत सारे दोस्तों को दोस्ती की होगी और अपनी जिंदगी से काट काट के फेंकते हैं, और ऐसे ही अगर हम गैर में लोगों को अपनी जिंदगी से काट काट के फेंकते रहे तो जिंदगी में एक समय अकेले ही बचते हैं, न दुख शेयर करने के लिए कोई बचता है, न सुख शेयर करने के लिए कोई बचता है, और अकेले जिंदगी बहुत बोझिल हो जाती है। हमारे पास दोस्ती ही ना हो, संबंध ही ना हो जिनसे हम अपनी सफलता को शेयर कर सकें, असफलता को शेयर कर सकें, उनके साथ समय बिता सकें, कठिनाई में उनको बुला सके, उनकी कठिनाई में हम खड़े हो सके, तो जिंदगी तो फिर अकेले जो होता है बहुत बोझ जैसे हो जाती है। तो जांच को देखना आवश्यक कि कहीं नहीं गलती आप लोग भी तो नहीं कर रहे, ऐसे कितने लोग हैं आप लोगों में जिन्होंने कि किसी न किसी दोस्त के साथ साल भर से बातचीत बंद कर रखी,
शरीर हो, सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जिनसे कभी आपने साल दो साल से बात नहीं करते, नहीं चाहते प्रॉब्लम योग्यता की रही होगी, परिस्थिति की रही होगी कि हमारी अपेक्षा में खड़ा नहीं उतर पाया, हमारी अपेक्षा की नहीं कर पाया, लेकिन व्यर्थ में हम उसके चाहने की शंका करेंगे, अच्छे अच्छे कभी तो हमारे अंदर भी है, अभी कहाँ अपने आप को नहीं कर पाते, दूसरे को नहीं कर पाते, दूसरा भी तो नहीं कर पाता होगा ऐसे, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर एक भी सरपंच छोड़ने से पहले 100 बात सोचिए। और एक बार ये बात घर पे आ जाती है हम अपनी तरफ से फोन करते हैं अपनी तरफ से बात, कई बार ठीक जवाब आता है, कई बार नहीं भी आता, खराब होगा कुछ, कई बार संबंध ठीक हो जाते हैं, कई बार नहीं भी, विश्वास को देखने जाए तो विश्वास का इतना गहरा गिराव है संबंध के साथ, थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों ने सम्मान के बारे में, हम सभी अपने सम्मान को लेकर इतने सजग हैं, दो दिन से आप लोगों को 3 दिन से बता रहा हूँ, शाम को आप 5 मिनट बैठ के याद करें तो सब याद आ जाता है कि किसने किसने आज आपका आभार याद आता है, और अपमान किया ये सोच के अच्छा लगता है, बहुत खराब लगता है, और हम बोलते समय बिल्कुल भी सजग नहीं रहते कि हम जो बोल रहे हैं उससे दूसरे का अपमान हो रहा है, हम तो व्यवहार कर रहे हैं उससे दूसरे का अपमान हो रहा है, जैसे आपको ये तो बहुत याद रहता है कि आज आपने किसका किसका अपमान कर दिया, किसने किसने आपका अपमान कर दिया, लेकिन जब आप ये देखने जाते हैं कि आपने किसका किसका अपमान किया तो आपको जल्दी ध्यान में नहीं आता, दूसरे को याद रहता है, तो आप देखेंगे धरती पर इतनी लड़ाइयाँ आप जब इतिहास पढ़ते होंगे इतनी लड़ाइयाँ हुई करती हैं, उसमें से ज़्यादातर लड़ाइयाँ तो सम्मान और अपमान को लेती हैं, आप अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे बहुत सारे रिश्तेदारों में भी और आस पड़ोस में बहुत सारा झगड़ा होता है, वो झगड़ा खाने पीने को लेके कम होता है, ये सम्मान अपमान को लेके ज़्यादा होता है, उसने हमारा अपमान कर दिया, हमारा ध्यान नहीं दिया, तो जितना विश्वास महत्वपूर्ण है उतना ही सम्मान को ठीक से समझ लिया जाए, अपने को सुनिश्चित कर लिया जाए, और सम्मान की जीत मांगने वालों की जगह सम्मान देने वाले बन सके, अभी हम सम्मान के नाम पे सजग तो होते हैं लेकिन सम्मान देने की जगह सम्मान की भीख मांगना शुरू कर देते हैं, सम्मान का डाका डालना शुरू कर देते हैं, सम्मान देने की जगह अगर हम सम्मान दे नहीं पाए, हम एक बार वहाँ गए बीकानेर, बीकानेर का नाम सुने तो वहाँ एक व्यक्ति से मिले जिन्होंने अपनी मूछें इतनी लंबी रखी थी कि 2 मंजिले पर खड़े होकर मूछ खोल दे तो जमीन छू गए, किसी ने देखा होगा कि नहीं पाया, तो वो हमको मिले बड़ी जगह गए तो मिल गए तो हमको दिख गए, तो हमको लगा वो पूरी इतनी लंबी पूछती हूँ कि वो मंजिले से 14 फीट लंबी पूछती हूँ, अब वो मुझको जो है 14 फीट लगा के तो चल नहीं सकते ना, आगे चले गए पीछे ट्रक मुझ पर चले आ रहा था, तो मुझ का ऐसा गोला बना के ना गोल गोल ऐसे मुझ को लपेट के यहाँ बांध के रखते, तो हमको लगा ये कान में लगा के सुनते ना वो स्पीकर संडे के दिन 2 घंटे मालिश करता हूँ ऐसे, तो इतनी मजबूत है नहीं उठ के,
हमने कहा सब तो ठीक है लेकिन सोते कैसे होंगे? ये पूछो आप सो रहे हो आप से सारी दब जाएगी, दब भी तो खिंच जाएगी, जाएगी नींद टूट जाएगी। बोले हाँ ये दिक्कत तो होती है। तो कैसे? तो उन्होंने एक झोला रख रखा, वो गले में ऐसे कर लेते थे और झोले में अपनी पूछ के साथ भी कह सकते हैं।
और जो किसी पोस्ट पे नहीं है उसका भी सम्मान हो सकता है। सम्मान किसी पोस्ट पे नहीं है तो सम्मान उसकी आवश्यकता है नहीं या पद वाले का ही सम्मान है हमारे जैसा ही पानी हमारे जैसे ही तो पद पे नहीं भी है तो भी उसका सम्मान होता हो सकता है नहीं हो सकता है। हमारे जीने में तो बहुत पूरकता कर रही है बहुत सारा वो कर रही है तब तो हम यहाँ खड़े हैं नहीं तो भले किसी पद पे नहीं है सम्मान तो उसका ही है। सम्मान के बारे में बात फिर हम लोगों ने स्नेह के बारे में बात क्या स्नेह के बारे में दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना शर्तों के साथ बिना शर्तों के कोई दोस्त है तो अगर हमने ये शर्त लगा दी कि ऐसा करेगा तो दोस्ती नहीं करेगा तो तब ये शर्त उसकी योग्यता होगी तो वैसा करेगा नहीं होगी तो नहीं करेगा आगे कभी योग्यता होगी तब कर सकते जो बिना शर्तों के दूसरों को स्वीकार लेते हैं संबंधी के रूप में किसी को क्या कहा और जब स्नेह नहीं होता है तो क्या होता है द्वेष। द्वेष की क्या पहचान है किसी का अगर मान सम्मान बढ़ रहा है तो हमको खराब लगता है किसी को ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं तो हमको खराब लगता है ये द्वेष की पहचान। अगर हमको भी अच्छा लग रहा है तो उसको लोग अच्छा कह रहे हैं हमको भी अच्छा लग रहा है तो ये क्या हुआ स्नेह। फिर ममता के बारे में बात की बात स्नेह के बारे में बात ममता किसको कहा जिसको संबंधी स्वीकारा उसके शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकारने के भाव को ही क्या कहा और संबंधी के मैं को समझदार जिम्मेदार बनाने के भाव को क्या कहा श्रेष्ठता और विशेषता दोनों बात हुई दोनों आवश्यक है या सिर्फ एक से काम पे क्या श्रद्धा के बाद गौरव और पितृता दूसरी बात कि जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रति जो भाव है वो कौन सा है जिन्होंने मेरे को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया है उनके प्रति जो भाव है वो कृतज्ञता और हर एक के साथ संबंध की स्वीकृति के भाव को क्या कहा प्रेम। फिर न्याय के बारे में भी समझा ऐसा व्यवहार ऐसा भाव जिससे मैं भी सुखी होता हूँ और उभय सुख होता है तो इसी को क्या कहा न्याय और फैसला एक ही बात है अलग अलग फैसले में दोनों सुखी हो ये जरूरी नहीं क्यों नहीं देखा न्याय में दोनों सुखी हो ठीक है ना करीना अभी जो आप लोगों ने किया उससे हम सुखी हुए दुखी हुए न्याय हुआ न्याय हुआ क्या हुआ आपको उनके पैर में मारा है पीछे मुड़े दोनों ने बात किया उससे व्यवस्था हुई या अवस्था हुई तो उससे हम सुखी हुए होंगे दुखी हुए होंगे न्याय दिया आपने दिया हम भी अन्याय करेंगे करे थोड़ा सा अन्याय करेगी नहीं फिर समाज में व्यवस्था के बारे में समाज में व्यवस्था के बारे में कि उसके लक्ष्य को समझा उसके फिर शिक्षा सूचना आपने बात किया स्वास्थ्य संयम के कार्यक्रम पर कितनी बात आज प्रकृति और अस्तित्व की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। Thank you.